अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मानो का किचन। आज मैं जो रेसिपी लाई हूँ वो है सब्ज़ी की भरे हुए टिंडे। इसके लिए हमने लिए हैं आधा किलो टिंडे। अच्छा, एक चीज़ बताती चलूँ कि टिंडे हमें बिल्कुल छोटे चाहिए, जिसमें बीज ना हो, कच्चे कच्चे टिंडे चाहिए। यहाँ हमने आधा किलो टिंडे लिए हैं। दो अदद हमने यहाँ पर टमाटर बारीक चॉप करके रख लिए हैं, दो अदद प्याज बारीक काट के रख लिए हैं, और दो अदद प्याज मैंने जो है इसको कूट के रख लिया है, जो कि हम इसमें फिलिंग करेंगे टिंडों के बीच में। तो ये कुटे हुए प्याज दो अदद मैंने अलहदा से लिए हैं, और ये मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या करना है। यहाँ पे तीन अदद मैंने हरी मिर्च ली हैं, तकरीबन दो डिश स्पून मैंने हरा धनिया लिया है, एक टीस्पून नमक लिया है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, वन टेबल स्पून सूख मिर्च, वन टेबल रंगीन लाल मिर्च, हाफ टी स्पून यहाँ मैंने पिसा गरम मसाला लिया है, एक टेबल स्पून भुना हुआ ज़ीरा मैंने लेके इसको मोटा मोटा कूट लिया है, एक टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ली है अमचूर खटाई। अगर आपके पास खटाई नहीं है तो आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। यहाँ मैंने लिया है एक टेबल स्पून कुटा हुआ और रोस्टेड हरा धनिया। ऑयल मैंने यहाँ पे लिया है हाफ कप हम लेंगे इसको फ्राई करने के लिए, बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं जाएगा। तो हम आपको बताते हैं कि हम इसे किस तरीके से फिलिंग इसकी करते हैं। अब हमने एक बाउल लेना है, इसमें हमने ये कुटे हुए प्याज, ये देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा बारीक हमने नहीं करने, थोड़े से बारीक बारीक इसको हमने वो कूट लिया हुआ है हम आम दस्ते में, आप चाहे तो सिल पे भी कर सकते हैं। ये इसमें हमने ये डाल दिए हैं प्याज, ये धनिया पाउडर, सुर्ख मिर्च पाउडर, सुर्ख मिर्च पाउडर, रंगीन मिर्च भी हो गई, ये हो गया नमक, हल्दी पाउडर, पिसा गरम मसाला, ज़ीरा, और ये अमचूर पाउडर। ठीक है, अब इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इन चीज़ों की फिलिंग हम करेंगे टिंडों के बीच में, और आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से फिलिंग कर रहे हैं। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया सारे मसालों को, मसाला हमारा तैयार है। अब हम ये टिंडे हैं इसको हमने चार कट लगा लिए हैं छुरी से, इस तरह से हमने खोलना है, ये देखें चार कट, बिल्कुल बहुत नीचे तक नहीं लगाएंगे। अब हम इसकी फिलिंग करते हैं, किस तरीके से इसकी फिलिंग होगी ये मैं आपको तरीका बताती हूँ। इस तरीके से हम लेंगे स्पून से, जिस तरह से भी आपको आसानी हो, ऐसे इसको नीचे तक करना है इस मसाले को, ऐसे थोड़ा बहुत गिर भी जाए बीच में, ये हमने बाकी सारा उसमें शामिल करना है। ये एक हमने टिंडा फिल कर लिया है, अब हम सारे इसी तरीके से फिलिंग करके आपको दिखाते हैं। ये टिंडों में हमने मसाला फिलिंग कर लिया है उंगलियों की मदद से, अच्छी तरह इसमें अंदर मसाला भर चुके हैं हम। अब चलते हैं कि इसे किस तरह पकाना है। आधा कप ऑयल का हमने इसमें डाल के रख लिया है, और ये ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने टिंडे इस तरह से रखेंगे, सारे टिंडे हम इस तरह डाल देंगे, और आंच हमने हल्की रखनी है, इसमें आंच हम तेज़ नहीं रखेंगे। अच्छा, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, तीन से चार लोग ये आराम से खा लेंगे। अब हमने ये इसमें डाल दिया है, बाकी हमने क्या करना है, ये जो हमारे प्याज थे ये हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे, ये इसकी ग्रेवी तैयार होगी। ठीक है, ऐसे हमने इसमें डाल देने ये कटे हुए प्याज, ये टमाटर, इसी तरीके से हम टमाटर फैला कर डालेंगे, ऐसे ये हरी मिर्च, इसका फ्लेवर अच्छा आएगा बीच में, और जो हमारा मसाला बचा था वो हम इसमें आखिर में डाल देंगे, ताकि ये इसकी ग्रेवी जो बनेगी उसमें भी खटास आ जाए, नमक मिर्च सब कुछ आ जाए। अगर आप मसाले तेज़ करना चाहते हैं तो आप ग्रेवी में भी मसाले डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि हरी मिर्च हमने इसीलिए डाल दी है। हरा धनिया हम लास्ट में डालेंगे जब हमारे ये तैयार होंगे। अब हमने इसको ढक देना है, ये तकरीबन आधे घंटे से पौना घंटा लेंगे, छोटे टिंडे हैं और हल्की आंच रखनी है, तेज़ नहीं रखनी, इसमें कोई पानी शामिल नहीं करना। आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या बनता है। आधे घंटे के लिए हमने इसको बंद करके रखा था, आप देखते हैं आधा घंटा हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इनको बहुत एहतियात के साथ पलटना है, कि ये जो मसाला है ये देखें, इस तरह से हमने इन टिंडों को पलट देना है, ताकि ये प्याज टमाटर जो है ये बीच में अच्छे से मिक्स हो जाए। टिंडे हमारे नीचे से एक साइड से पक के गल चुके हैं, अब हमने इनको पलटना है सबको, ताकि ये
दूसरी साइड से भी पक जाए। इसमें हमने पानी शामिल नहीं किया था, टमाटर प्याज और खटाई का जो पानी था वही हुआ है, बाकी का जो मसाला होगा ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा बीच में। अभी हम इसे दोबारा रख देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी पक जाए। बहुत अच्छे से गल गए हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए फिर ढक के रख देंगे और बीच में देखते रहेंगे कि जलने ना पाए। तो 15 मिनट में इंशाल्लाह ताला ये हो जाएंगे, 15 मिनट के बाद देखते। देखिए 15 मिनट हो गए हैं, हमने इसको रखा हुआ था, घी निकल आया है, मसाला सारा वो हो गया। अब इससे ज़्यादा अगर हम करेंगे तो ये जल जाएगा, चूल्हा हम बंद कर देंगे। और ये आप अच्छे से ये देख सकते हैं कि हमारे टिंडे कितने अच्छे गल गए हैं। ये छोटे टिंडे थे तो इसलिए, अगर ये बड़े होते तो ये ना गलते। अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। हमारे भरे हुए टिंडों की डिश तैयार है, मज़ेदार। बनाइए और ट्राई कीजिए, बताइए कैसे लगे। इसे गरम गरम चपाती के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। और बाकी देख लें, सारा मसाला हमारा जो था वो हमने बीच में डाल दिया, वो आप रोटी के साथ अलहदा से खा सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो, और बेल का बटन दबाएँ ताकि मेरी हर नई रेसिपी आपको मिल सके। बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।